एक बार और हम आपके लिए वैकेंसी लेके आए हैं उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उपनल के थ्रू, जहां पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट जो वैकेंसीज अपडेट हुई हैं वो हुई हैं 17 अप्रैल को। यहां पर जैसे कि हमने कई बार डिटेल इन्फॉर्मेशन के आधार पर बताया है कि एक्समैन, उनके डिपेंडेंट्स और जितने भी उससे संबंधित हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिविल वालों के लिए ओपन नहीं है। अब यहाँ पर 2 RO हैं, आप देहरादून से संपर्क कर सकते हैं। आप गढ़वाल के लिए आपको देहरादून और कुमाऊँ के लिए आपको हल्द्वानी में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये इनकी कांटेक्ट नंबर है, ये इनकी ईमेल आईडी है, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में देख रखा है। चलिए बात करते हैं अब वैकेंसीज के बारे में। तो चमोली में एनटीबीसी लिमिटेड जोशीमठ में आप देख सकते हैं गनमैन की है, 3 वैकेंसियां हैं ओनली। एक्स सर्विसमैन के लिए जोशीमठ में आप देख सकते हैं 21,000 इन है, ठीक है। इस तरह से हरिद्वार में जिला जज हरिद्वार में आप देख सकते हैं आशुलिपिक स्टेनोग्राफर की है, शॉर्ट हैंड 14 यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं। इस तरह से देहरादून में उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं पंचकर्म सहायक 3 पद हैं, क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। एक जनरल, 2 जनरल के लिए, 1 SC के लिए। इस तरह से देहरादून में भी इस तरह से तमाम अलग अलग आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है। और ये पूरी वैकेंसी की जो लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर की है, तो पहाड़ी नौकरी के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली टेलीग्राम में, अदरवाइज आपको हमारा लिंक मिल जाएगा। इस तरह से देहरादून में जिला जज देहरादून और यहाँ पर ऑल यहाँ पर सारी चीज़ें, ठीक है, सभी यहाँ पर देहरादून में। अब बात करते हैं अगर कुमाऊं रीजन की बात करें तो, जो कि हालांकि ये 6 अप्रैल को अपडेट हुए तो काफ़ी लेट है, इसमें आप देख सकते हैं जो भी इसमें आपके लायक हो आपके डिस्ट्रिक्ट में तो उसको अच्छे से पूरा सा डिटेल कर लीजिए, ठीक है। बात करते हैं कॉन्टैक्ट की, जहां तो आप देख सकते हैं ये हेड ऑफिस का कॉन्टैक्ट है, या आपके RPO देहरादून का है, ठीक है। इस तरह से आप ऊपर जाएंगे तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि यहाँ पर है, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले कैसे इन भर्तियों को देखना है, काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट भी आते हैं कि किस तरह से इसमें देख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर होम में जाऊँगा, ठीक है। होम में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में ये ऑप्शन दिया हुआ है वैकेंसीज़ का, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वैकेंसीज़ पर आप करना है क्लिक, तो यहाँ पर सारी जो अपडेटेड वैकेंसी हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी आप कोई भी अदर ईमेल कॉन्टैक्ट इनसे चाहते हैं अन्य कर्मचारियों का, तो यहाँ पर आपको जो है चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें आपको जो है अप्लाई करना है, तो डायरेक्ट आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो है आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप देख सकते हैं इनरोलमेंट यहाँ पर एक सेक्शन है जहाँ पर कौन कौन इनरोल हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है पूर्व सैनिक, ठीक है। उसके अलावा जो उनके डिपेंडेंट्स हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं, पूर्व सैनिक एसेट ओनली फॉर वॉर विडो डिपेंडेंट ऑफ मार्टायर डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर आपका नामांकन भूल गए हैं तो यहाँ से आप नामांकन भी जो है इसमें खोज सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर जो है आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ से ये, और उसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट हैं तो यहाँ से सबसे पहले किस RPO से हैं, 2 ही RPO हैं, देहरादून या फिर हल्द्वानी। तो ये सारी डिटेल, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।